नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। धान और गेहूं की फसल किसानों के लिए अब घाटे का सौदा साबित होने लगी है। वास्तव में जितनी मेहनत और लागत इसमें लगती है उतना रिटर्न किसानों को नहीं मिलता है। आपको बता दें कि ज्यादातर किसान इसकी उपज MSP से भी कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार उन्हें फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल कृषि के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही ये कैसे मदद कर सकता है, इससे संबंधित कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आने वाले समय में पर्यावरणीय मुद्दों, प्रबंधन रणनीतियों, टिकाऊ प्रथाओं पर बातचीत का आदान प्रदान करना था। G20 देशों पर जारी एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट में बताया गया कि अगर कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता रहा तो सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो 2050 तक कृषि के लिए पानी की मांग करीब 29% बढ़ जाएगी, यानी अगले 30 साल में ही भारतीय कृषि के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। धान की खेती करने वाले किसान खेती को लगातार घाटे का सौदा बता रहे हैं। वहीं सिंचाई, बीज और खाद के बढ़ते दाम, साथ ही फसलों को बेचने के लिए आसान और सुलभ साधन ना होने के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर किसान बदलते समय के साथ परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती से पपीते की व्यवसाय खेती करें तो वह इस खेती को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए बफर स्टॉक से 1.11 लाख टन प्याज जारी किया है। सरकार का दावा है कि इससे प्याज के खुदरा कीमतों में 5 से 12 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। मंत्रालय के मुताबिक बफर स्टॉक का प्याज जारी कर सरकार प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आ रही है, उसी तरह कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही थी। दरअसल ये दोनों ही खरीफ फसल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपको बता दें कि कपास खानदेश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। वहीं इस साल बारिश से सोयाबीन के नुकसान के साथ कपास की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद कपास का किसानों को रिकॉर्ड तोड़ भाव मिल रहा है। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत खरीफ सीजन 2021 में अतिवृष्टि के कारण प्रभावित किसानों को फसल की क्षति के लिए अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसका लाभ लेने के लिए किसान 5 से 20 नवंबर तक कृषि विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिवाली की अगली सुबह देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से बुरा हाल देखने को मिला। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। हालांकि दिवाली के दौरान कई जगहों पर आतिशबाजी देखी गई, जिस कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 655.07 रहा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।